आप जगरगुंडा में भी अगर रहते हैं तो अगर आप कुछ कंटेंट क्रिएट करते हैं तो जगरगुंडा से निकल के आपको थोड़ा सा कहीं अगर नेटवर्क मिल जाए तो वहाँ से अपलोड कर सकते हैं आप। जगरगुंडा शब्द इसलिए कह रहा हूँ, भारत देश का सर्वाधिक नक्सल प्रभावित इलाका है सुकमा, और सुकमा का जगरगुंडा वो तो मत पूछिए। स्टार्टिंग जो दौर था इस बस्तर में तो शूटिंग किस चीज़ हुआ करता था? एक समय था जब VHS कैमरा आता था, VHS वीडियो होम सिस्टम, तो वो VHS कैमरा वो शादी की शूटिंग में बड़ा सा कैमरा हुआ करता था पैनासोनिक का। बावजूद एक जिम्मेदारी ये है कि बस्तर का जो मूल जो पैटर्न है गानों का, पहनावे का, वो वीडियो एल्बम से गायब ना हो, तो यही हम लोगों ने सोचा कि नहीं अब हम लोग बस्तर की संस्कृति पर आधारित काम करेंगे। देखिए फिल्म निर्माण अगर मैं करूँ शुरुआत, या संजय लीला भंसाली करें मुंबई में, या स्टीवन स्पीलबर्ग करें हॉलीवुड में, एक्टर को कास्ट करना कितना मुश्किल है? एक्टर को कास्ट करना मुश्किल नहीं है, जिसको हम लोगों ने परिकल्पना किया है उस तरह का एक्टर ढूंढना मुश्किल है, क्योंकि जैसे अब साथियों नमस्कार, मैं हूं संतोष पयाम, अब आप देख रहे हैं हमारा चैनल उम्मीद इंडिया। साथियों आप सबका बहुत दिन से कमेंट आ रहा था कि आप सब प्रसाद ब्रदर्स का इंटरव्यू लाइए, लेकिन हम काफ़ी लेट कर दिए लग रहा है, फिर भी हमने प्रयास किया है कि इस वक्त हमारे साथ अविनाश प्रसाद सर हैं, उन्हीं के स्टूडियो में आज हम बैठे हैं। सर आज हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा सौभाग्य कि आपने इंटरव्यू के लिए मुझे चुना, और दर्शकों का तो अभिवादन और बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सर क्या आप बस्तर इंडस्ट्री में, आप देखेंगे बस्तर की जो फिल्म इंडस्ट्री है, प्रसाद फिल्म एक जाना माना नाम बन चुका है इस वक्त, हमारे दर्शक के लिए विस्तृत जानकारी देंगे सर, थोड़ा सा अपना फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि किस तरह से आप इस इंडस्ट्री में आप कदम रखे सर? फैमिली बैकग्राउंड हम लोगों के परिवार में, वैसे तो हमारा आधा खानदान यहाँ है, बेसिकली हम लोग बनारस के हैं, लेकिन हमारे पूर्वज बहुत पहले बस्तर आ गए थे, तो हमारी लगभग 3 पीढ़ी है बस्तर में, तो पर्सनली तो बस्तरिया ही महसूस करते हैं, यहीं पैदा हुए हैं, महारानी अस्पताल में पैदा हुआ हूँ मैं, और गांव-गांव घूमे हैं हम लोग, जिस इलाके के हैं वहाँ का लैंग्वेज हम लोगों को ठीक से बोलने नहीं आता, लेकिन यहाँ रह के और हल्बी बोली में काम करके, न्यूज़ फील्ड में काम करके, गांव-गांव में घूम के यहाँ की बोली बोल लेते हैं, समझ लेते हैं, उस पर चीज़ें बना लेते हैं। हमारी जो माता जी हैं वो टीचर हैं, पिताश्री जो है वो अभी अभी रिटायर हुए हैं, वो यहाँ पे अंत्यावसाय उद्यमी विकास संस्थान जो है वहाँ पे रहे हैं, अभी वो रिटायर हुए हैं, और साथ ही हम लोग 3 भाई हैं जी। बड़े भैया आशुतोष प्रसाद रास परब ग्रुप वो चलाते हैं जी। छोटे भाई का नाम अभिषेक प्रसाद है, वो बचेली में जो NMDC है जी। वहाँ पे वो सिविल मैनेजर है। अच्छा। और साथ ही हमारी जो वाइफ हैं वो भिलाई से हैं जी। और वो भी, उनको भी इस फील्ड में काफ़ी इंटरेस्ट रहा है, उनको मेकअप और कॉस्ट्यूम का बहुत अच्छा नॉलेज है, तो घर का बहुत सपोर्ट रहा है हमेशा से, और जो कुछ भी हूँ आज ऊपर वाले के आशीर्वाद, घर वालों के सहयोग, और जो पूरे ग्रुप के, जो हमारा जो पूरा ग्रुप है वो सारे लोग, उन सब की वजह से हम लोग जो छोटा मोटा जो कुछ है ये सबका साथ और सहयोग है। सर वैसे आपका क्वालिफिकेशन कहाँ तक रहा? मेरी क्वालिफिकेशन मैंने MA किया है, और उसके साथ ही मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है वीडियो प्रोडक्शन में, इसके साथ मैंने मास कम्युनिकेशन किया है, और माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से मैं मास्टर हूँ पत्रकारिता में जी। तो सर इतने सारे आप डिग्रीज आपने हासिल किए, तो कभी गवर्नमेंट जॉब के लिए सोचे नहीं क्या? एक समय में दूरदर्शन में कैजुअल कैमरामैन रहा हूँ मैं 2008 के आसपास जी। वो अनुभव उस वक्त आया था कि सरकारी संस्थान में अगर आप एक कर्मचारी के तौर पे काम करते हैं तो आप कैसा अनुभव करते हैं, तो वहाँ का माहौल बहुत अच्छा था, काम बहुत अच्छा था, लेकिन ये जो सरकारी संस्थानों में जिस प्रकार से काम करना होता है वो मुझे थोड़ा सा रास नहीं आया जी। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि उस पर कुछ गलत है, ऐसा नहीं, मैं वैसा उस लायक नहीं हूँ कि मैं थोड़ा सा मूडी टाइप का, जो एक होता है ना एक मूड होता है मूडी टाइप का, जब मूड है अच्छे से तो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, जब मूड नहीं है तो बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, तो सरकारी संस्थानों में ऐसा तो चलेगा नहीं, तो इस वजह से कभी भी मन में ये कभी ऐसा आया नहीं कि सरकारी नौकरी करें, और सरकारी नौकरी मिल जाए इस हिसाब से कोई मैंने ऐसी कोई पढ़ाई, मतलब मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड भी रहा है उसमें वीडियो प्रोडक्शन हो या मास कम्युनिकेशन हो, तो इस तरह की चीज़ों में सरकारी नौकरी मुश्किल है जी। तो रास्ता दूसरा रहा है जी।
तो आपने कहा कि आप बनारस से बिलोंग करते हैं, लेकिन काफ़ी समय से आप बस्तर में ही जम चुके हैं और अब तो यहीं के निवासी हो गए हैं सर। जो यहाँ का स्थानीय बोली है उसी पे आप काम करते हैं, हलवी जो बोली है, तो उसमें आपको कुछ दिक्कत का सामना तो नहीं करना पड़ा सर? असल में देखिए, मैं एक चीज़ क्लियर करता हूँ, जो चीज़ दुख देती है वो ये है कि आप आंध्र प्रदेश चले जाइए, वहाँ का अपना सिनेमा है, वहाँ की अपनी इंडस्ट्री है, ए टू जेड सारे लोग उस लैंग्वेज में बात करते हैं जी। आप पश्चिम बंगाल चले जाइए, वहाँ की इंडस्ट्री है, वहाँ का अपना सिनेमा है और इस तरह के वीडियो कंटेंट सारी चीज़ें हैं, ए टू जेड सारे लोग दूसरे लैंग्वेज भले बोलें लेकिन अपने वहाँ का बंगाली लैंग्वेज यूज़ करते हैं, उसको वो सम्मान देते हैं। लेकिन यहाँ समस्या ये है कि जब आप हलवी में आते हैं तो शहरी दर्शकों का, श्रोताओं का एक बड़ा वर्ग कट जाता है। उनके लिए जो रूटीन है, उनका जो म्यूज़िक और फिल्मों को लेकर के जो उनका अपना रूटीन रहा है हिंदी फिल्में, और वो जिस इलाके के हैं वहाँ के, उनका अपना रीजनल सिनेमा वो देखते हैं। लेकिन जब अपन हलवी में जाते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें कट जाती हैं, एक बड़ा दर्शक वर्ग कट जाता है, उनको लगता है कि ये हमारे लिए नहीं है, ये बस्तर के गाँव वालों के लिए है। तो जब हम लोगों ने शुरू किया तो ये स्थिति थी हलवी में। हमारी माता जी अलग अलग इलाकों में जब टीचर रहीं, बहुत, जब मैं पैदा हुआ तो मेरी, जब मैंने होश संभाला तो मेरी मम्मी टीचर थी, तो मम्मी का ट्रांसफ़र जहाँ भी होता था तो मम्मी अपने साथ ले जाती थी, और मेरी पहली टीचर मेरी मम्मी रही हैं। तो वो जो ग्रामीण इलाके थे हमारे, वहाँ पे हलवी चलती थी, तो हम लोग बचपन से उन इलाकों में रहे, नगरनार के अंदरूनी क्षेत्रों में, तो वहाँ भतरी चलती थी, तो बचपन से वो लैंग्वेज हम लोगों के जीवन का हिस्सा बन गया वो लैंग्वेज, तो उनको सीखना नहीं पड़ा। लेकिन जब पहला वीडियो एल्बम हम लोगों ने बनाया तो लखेश्वर खुदराम जी का लिरिक्स था उसमें, तो वो थोड़ा सा कठिन था, एकदम से ठेठ था, तो कुछ कुछ शब्द नहीं समझ में आ रहे थे, तो उसको हम लोगों ने लिखा, और हलवी के एक्सपर्ट्स, और मेरी मम्मी भी हलवी की एक्सपर्ट ही हैं, तो उनसे पूछ करके, जान करके, फिर हम लोगों ने उस वीडियो को फिल्माया। तो वो करते 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 हलवी, मतलब मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं कोई हलवी में कुछ साहित्य लिख लूँगा, लेकिन बोलचाल की जो हलवी लैंग्वेज है वो मैं बोल लेता हूँ, मैं जो बोलता हूँ उसको लोग समझ लेते हैं, और जो लोग बोलते हैं उसको मैं समझ लेता हूँ। बस्तर में आपने एक इंडस्ट्री स्थापित किया, देखा जाए तो आप ही का ही शुरुआती जो रहा फिल्म का, लोगों के बीच एक वीडियो एल्बम्स आना या फिर एक फिल्म भी लाना बस्तर में, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर, एक्चुअल में क्या है, आपने जब शुरुआत की थी इस चीज़ की, तो आपने कभी सोचा था कि कभी आपने इस इंडस्ट्री में आना है या हमको फिल्मस बनाना है कभी भविष्य में, ऐसा कुछ? 1996 से कैमरा पकड़ा हुआ हूँ मैं, 96 में मैंने पहली बार कैमरा पकड़ा था, और अभी 2003 आ गया। तो उस समय जब हम लोग कैमरा चलाते थे तो वो ऐसा दौर था कि आपको इस फील्ड में कुछ करना सीधा बॉलीवुड है, बीच में कुछ नहीं है, कुछ कि नहीं आप है। यहाँ थोड़ा सा स्ट्रगल कर लें, एक स्टेप किसी यूट्यूब चैनल पर आ जाएँ, ये कर, नहीं, सीधा मुंबई। तो उस दौरान के जितने लोग थे वो सब मुंबई का सपना देखते थे, मुख्य फिल्मों का और पर्दे का सपना देखते थे, कि काश हमारी ऐसी किस्मत होती कि हम लोग पर्दे के लिए कुछ कर पाते। लेकिन उस समय ये लगभग असंभव सा था जी। लेकिन सपने तो सपने होते हैं, तो सपने देखते थे, और ये भी मालूम था कि ये संभव से दूर है जी। ये लगभग असंभव है। लेकिन एक फिर ऐसा समय आया कि जब 2011 में हम लोगों ने मोचो में मूवी बनाई और वो अनुपमा टॉकीज के पर्दे पर रिलीज हुई जी। तो उस दिन लगा कि हाँ, सपना तो काफ़ी हद तक पूरा हुआ, कि हाँ, मुंबई के तो नहीं लेकिन बस्तरिया फिल्म इंडस्ट्री का एक रूप साकार हो रहा है और पर्दे पे लोकल लोग दिख रहे हैं, तो वो सपना उस दिन पूरा हुआ ऐसा लगा जी। तो सर, एक्चुअल में आप जब किसी फिल्म का निर्माण करते हैं तो उस समय कितना, मतलब, परेशानियों का सामना करना पड़ता है और कितना बजट की आवश्यकता होती है सर? देखिए, फिल्म निर्माण अगर मैं करूं शुरुआत, या संजय लीला भंसाली करें मुंबई में जी, या स्टीवन स्पीलबर्ग करें हॉलीवुड में जी, सबको समस्या आती है। मतलब अवतार मूवी को बनने में मैंने सुना 13 साल लगे हैं जी, जी। हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, इसके बावजूद बहुत मेहनत लगी होगी, कितनी मेहनत लगी होगी। तो आप किसी भी स्तर पे फिल्म मेकिंग में जाते हैं तो आपको बहुत मेहनत लगेगी। तो सर, उस मूवी के लिए किसी एक्टर को कास्ट करना कितना मुश्किल है? एक्टर को कास्ट करना मुश्किल नहीं है, जिसको हम लोगों ने परिकल्पना किया है उस तरह का एक्टर ढूंढना मुश्किल है। क्योंकि जैसे अभी हम लोगों ने एक मूवी की है, हम लोगों ने डिसाइड किया था कि इस तरह का कैरेक्टर होगा। अब यहाँ पे कलाकारों की कमी जी। और किसी का अगर कोई कलाकार आपको मिल जाए तो, क्योंकि प्रोफेशनल नहीं है कोई, सबका अपना काम है जिससे उनका घर चल रहा है जी। तो ये अब मजबूरी के तौर पे इस फील्ड को शौक बनाना पड़ता है, क्योंकि इस फील्ड में कंटिन्यू काम नहीं है। कंटिन्यू काम नहीं है तो कंटिन्यू पैसा नहीं है, कंटिन्यू पैसा नहीं है तो वो काम आपको करना पड़ेगा जिससे आपके पास कंटिन्यू पैसा है। तो ऐसी स्थिति में कलाकारों को ढूंढना,
फिर उनसे बात करना, फिर उनको मनाना, फिर लेके आना, वो मुश्किल काम जाता है। तो सर एक्चुअल में आपने कहा है कि आपका मूवी आने वाला है, तो क्या हम उम्मीद करें इस वक्त आपका मूवी आ जाएगा? मतलब अगर एक डायरेक्टर के तौर पे तो मैं कहना चाहता हूँ आ जाएगा, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन जिस रास्ते हम लोग बढ़ रहे हैं और जिस स्पीड से बढ़ रहे हैं, एक छत्तीसगढ़ी मूवी आएगी, और ऐसी मूवी जो विशुद्ध रूप से बस्तर के कलाकारों, बस्तर के तकनीशियन लोगों ने मिलकर के बनाई है, और इस मूवी के ज़रिए बस्तर के कलाकार ये सिद्ध कर पाएंगे कि छत्तीसगढ़ी मूवी बनाने के लिए, राज्य स्तरीय मूवी बनाने के लिए जगदलपुर या बस्तर के लोग किसी भी दूसरे इंडस्ट्री पर डिपेंड नहीं है। तो छत्तीसगढ़ी मूवी आ रही है और बस्तर के ज्वलंत मुद्दे पे है वो मूवी। रोमांटिक मूवी है, बहुत रोमांटिक, 6-6, 7-7 गाने हैं। जगदलपुर बस्तर के पूरे अच्छे अच्छे कलाकार, जितने बड़े कलाकार हैं जो 20-20 साल से मेहनत कर रहे हैं, अपने आप को निखार रहे हैं, वो सारे के सारे लोग उसमें हैं। और बहुत जल्दी उसका प्रोमो हम लोग रिलीज़ करेंगे, लास्ट का थोड़ा सा काम रह गया है, वो जैसे ही कंप्लीट होगा आ जाएगी मूवी। तो साथियों आप लोगों ने सुना, सर ने कहा कि बहुत ही जल्द आप सबके बीच एक नया मूवी देखने को मिलेगा, वो भी छत्तीसगढ़ी मूवी। तो साथियों ये हमारे लिए इंतज़ार रहेगा। तो मैं सर जानना चाहूँगा कि ये जो मूवी आप कर रहे हैं, इससे पहले आप कितने मूवीज प्रोडक्शन कर चुके हैं सर? देखिए इसके पहले वीडियो एल्बम बनाए हैं कुछ जी, हल्बी और छत्तीसगढ़ी में, और मूवी तो एक ही बनाए हैं मोचो मैया जो पर्दे पे लगी थी जी। और उसके बाद फिर समझ में आया कि हम लोग बहुत अच्छे से नहीं जानते, तो फिर सीखना शुरू किए, तो फिर लगभग 10 साल से सीख रहे हैं। इस दौरान कुछ डॉक्यूमेंट्रीज हम लोगों ने की, डॉक्यूमेंट्री का काम चलता रहता है, सरकारी डॉक्यूमेंट्री की खूब सारी, अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया डॉक्यूमेंट्री के कॉम्पिटिशन में, कहीं सफलता हाथ लगी कहीं नहीं लगी। और इस फील्ड में लगातार हम लोग मेहनत करते रहे, क्योंकि मैं न्यूज़ फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ, लगभग 6-7 साल मैं जी न्यूज़ पे बस्तर देखता था जी। अभी एशियन न्यूज़ एंड इंटरनेशनल के लिए पूरा बस्तर संभाग देखता हूँ, तो न्यूज़ में बहुत ज़्यादा समय मांगता है न्यूज़, और बस्तर एक ऐसा सेंसिटिव जगह है यहाँ पे, ये जगह कि यहाँ पे तो और ज़्यादा रूटीन की खबरों से हटके और भी कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे एक पत्रकार को बहुत फोकस करना पड़ता है, तो उस पे बहुत ज़्यादा बिजी रहे इस दौरान। मोरमाटी ऐप एक छत्तीसगढ़ का OTT ऐप है, उसके लिए हम लोगों ने कई सारे कंटेंट बनाए, तो इस तरह का काम चलता रहा। अभी जो मूवी आने वाली है इसको बनाने में हमें 3 साल का समय लगा है। 3 साल का समय इसलिए लगा है क्योंकि बीच में कोरोना का छोटा सा समय भी था, लेकिन मूवी का टॉपिक हम लोगों ने ऐसा चुन लिया कि एक एक सीन को अगर आपको शूट करने जाना है तो आपको लंबी तैयारी करनी है, टॉपिक ही ऐसा था। एक छोटा सा भी सीन आपको शूट करना है तो उसमें 50 लोग चाहिए, और 50 लोग ऐसी जगह में चाहिए, ऐसी ऐसी जगह में, तो फिर आप उनको 50 लोगों को लेकर के जाओ, तो उस वजह से उसमें बहुत टाइम लगा। तो सर किसी मूवी में एक लोकेशन चूज करना कितना मुश्किल है? बस्तर जैसे जगह में अगर आप बैठे हैं तो कोई मुश्किल नहीं है, स्वर्ग है मूवी बनाने के लिए। मतलब हम लोग शूटिंग में जाते हैं तो हम लोग महसूस करते हैं कि ऊपर वाले ने पूरे बस्तर को मूवी के लिए स्टूडियो बना के रख दिया है कि भैया आपको कहीं जाना है शूटिंग, बस्तर चले जाओ, वहाँ शूटिंग करके आ जाओ। जगदलपुर में आप गाड़ी स्टार्ट कीजिए, एक गाना सुनिए, आप लोकेशन पर पहुँच जाएंगे। कार स्टार्ट किए, एक गाना लगाइए, 5 मिनट गाना चलेगा, आप लोकेशन पर, लेफ्ट राइट उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, आप निकल जाइए, लोकेशन की भरमार है। बस्तर में लोकेशन ढूंढना मुश्किल नहीं है, बस्तर में मुश्किल है कि मैं कहाँ करूँ और क्या नहीं करूँ, ये दिक्कत हो जाता है कि यार ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है, आप दोनों में से किस जगह में अपन शूट करें, तो ये समस्या है बस्तर में। तो सर किसी मूवी के लिए आप खास कर देखे हीरो का चेंज तो कर लेते हैं, लेकिन उस मूवी के लिए हीरोइन का सिलेक्ट आप किस तरह से करते हैं? हीरोइन का सिलेक्शन देखिए मूवी में क्या होता है, एक तो होता है सब्जेक्ट कि आपका सब्जेक्ट क्या है, उसमें उसका व्यक्तित्व क्या होगा एक लड़के या लड़की का, फिर उसका बोलने का अंदाज क्या होगा, फिर आपके मूवी का लैंग्वेज क्या है, क्या वो कलाकार उस लैंग्वेज को उस तरीके से पकड़ पाएगा, क्या वो आपको उतना समय दे पाएगा, क्या उतने सस्ते में काम कर पाएगा जो आपका बजट है, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिल्म में हीरोइन को ढूंढने के लिए बहुत मुश्किल नहीं है, आज के ज़माने में तो घर परिवार का भी लड़के लड़कियों को खूब सारा सपोर्ट है, अब दिक्कत नहीं है, शुरू में दिक्कत जाती थी। साइकिल में भी हम लोग जब पहला वीडियो एल्बम बनाए थे तो पूरा ग्रुप हम लोग साइकिल में हम लोग आसना पार्क जाते थे, हीरो हीरोइन को साइकिल में कैरियल में बैठाता था और वो लेकर के जाता था जगदलपुर से, हम लोग कॉस्ट्यूम उस्ट्यूम पहन लेते थे, हीरो लुंगी पहन लेता था है ना, और पूरा तैयार व्यार होकर साइकिल में अपन आसना पार्क जा करके वहाँ शूटिंग करते थे। उस समय थोड़ी सी दिक्कत थी, अब कलाकारों की दिक्कत नहीं है, सोशल मीडिया के आ जाने के बाद कलाकारों के लिए दिक्कत नहीं है, खूब है। सर मैंने देखा है कि आप काफ़ी समय से कोई एल्बम्स आपके चैनल में आया नहीं है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे हमारे दर्शक क्या वेट कर रहे हैं प्रसाद फिल्म से कोई और नया चीज़ आए?
हाँ, वो जैसा कि मैंने बताया कि बीते लगभग 7-8-10 वर्षों में, ये पिछला 3 साल तो हम लोगों ने अभी जो मूवी कर रहे हैं उस पर हम लोगों का लग गया, और उस दौरान फिर बीच में और सीखते रहे, जी और क्योंकि मैं न्यूज़ फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ जी तो उस वजह से गैप हुआ। लेकिन मोर माटी ऐप के लिए हम लोगों ने 3 हल्बी एल्बम बनाया है, और अब ये मन करता है कि ना, बस्तर की संस्कृति बहुत प्रभावित हो रही है, जी बस्तर की जो मूल संस्कृति है। अभी आप देखिए जिस तरह के वीडियो एल्बम आ रहे हैं, ठीक है, उसमें मतलब बहुत ही अच्छा काम हो रहा है, आजकल के कलाकार बहुत शानदार काम कर रहे हैं, एक्टिंग, कंपोजिशन, टेक्निकली बहुत इम्प्रूव्ड हैं। थोड़ा सा ये है कि कुछ कुछ बीच में कुछ कुछ गाने ऐसे बनाने चाहिए जो बस्तर के संस्कृति से जुड़े हुए हैं, छत्तीसगढ़ी संस्कृति का स्वरूप, मतलब संस्कृति को प्रस्तुत करने का तरीका बदल गया है, छत्तीसगढ़िया गाने कम आ करके मुंबईया पैटर्न के गाने ज़्यादा बन रहे हैं, जी और जी दर्शक पसंद कर रहे हैं और खूब चल रहे हैं वो गाने। तो भाई, गाने दर्शक पसंद कर रहे हैं मतलब अच्छी चीज़ है, जी लेकिन इसके बावजूद एक जिम्मेदारी ये है कि बस्तर का जो मूल जो पैटर्न है गानों का, पहनावे का, वो वीडियो एल्बम से गायब ना हो। तो यही हम लोगों ने सोचा कि नहीं, अब हम लोग बस्तर के संस्कृति पर आधारित काम करेंगे, और उसी के चलते हम लोगों ने एक गाना सोन पखना वीडियो एल्बम अभी बीच में जी बनाया था, जी जो काफी फेमस उसको काफ़ी पसंद किया लोगों ने। उसमें हम लोगों ने धुरवा संस्कृति से संबंधित जो कास्ट गहने हैं, जो कपड़े हैं, है ना, जो पृष्ठभूमि है, वो धुरवा संस्कृति की हम लोगों ने दिखाने की कोशिश की। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ना बनाए, क्योंकि हल्बी एल्बम में बहुत पैसा निकलने का भी नहीं है, बहुत आपका पैसा निकल जाए वही बहुत मुश्किल है। मेरे को जी पता है कि आज भी इतने सारे जो कलाकार जगदलपुर से, कांकेर से, सुकमा तक कलाकार जो बना रहे हैं, या आप लोग भी यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, तो आप लोगों को पता है कि पैसा निकालना कितना मुश्किल है। जी जी तो लेकिन फिर भी इसके बावजूद मैं चाहता हूँ कि कुछ गाने बस्तरिया संस्कृति से जुड़े हुए हों, ताकि हम दुनिया को दिखा सके भाई बस्तर की ये संस्कृति है, ये संगीत है, ये पहनावा है, ये नृत्य है, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। प्रसाद पील में जो रहा है यहाँ बस्तर में, अच्छे अच्छे एक दृश्य दिखाने का प्रयास किए, बस्तर का जो संस्कृति है उसको दिखाने का प्रयास किया गया। इसके लिए शासन स्तर से या मतलब किसी भी स्तर से आपको कोई सम्मानित हुआ है क्या सर? हाँ, एक गाना हम लोगों ने बनाया था, इया काय बाली फूल परब नाच नाचू, इसको भुवनेश्वर बाग जी ने बनाया था, वो दिवंगत हो गए हैं, उनका बहुत शानदार ये गाना था। पूरा काम उनका, ऑडियो का उन्होंने ही किया था, हम लोगों ने सिर्फ उसको रिकॉर्ड करवाया था साथ में जाके, उस पर एक वीडियो एल्बम बनाया था। तो पूरी फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीनिंग के लिए उसको सेलेक्ट किया गया था, वो एक अच्छा अचीवमेंट था हम लोगों के लिए। उसके बाद जब हम लोगों ने मोचो में मूवी बनाई थी, तो उसको उस वर्ष जो छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री का जो फिल्मों का कंपटीशन हुआ था, उसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था। इसके साथ ही समय समय पर अलग अलग ज़िला प्रशासन जो आयोजन करता है उस पर स्वच्छता अभियान, जब सेंट्रल गवर्नमेंट का संपूर्ण स्वच्छता अभियान चल रहा था, तो एक कंपटीशन इसके ऊपर आयोजित किया गया था। तो उसमें हम लोगों ने एक 5 मिनट की डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, जिसको फर्स्ट प्राइज़ मिला था, 1 लाख रुपए का इनाम मिला था, और साथ मोमेंटो और जो प्रशस्ति पत्र होता है वो मिला था। उसमें महेंद्र ठाकुर थे, उन्होंने लीड रोल किया था, नीलिमा थी, जितना मुझे याद आ रहा है, पम्मी थी, लाडो थी, ये सारे कलाकारों ने उसमें काम किया था, तो उसको भी अवार्ड मिला था। और एक बड़ा अवार्ड तो हम ये भी मानते हैं कि रायपुर का पहला जो OTT ऐप है मोर माटी, उसमें जो सबसे पहले चयनित की गई फिल्में सतीश जैन जी की हस जन पगली फंस जावे, मनोज वर्मा जी की राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त फिल्म भूलन के साथ बस्तर की हमारी फिल्म मोचो में है, इन 3 फिल्मों को सेलेक्ट करके उन लोगों ने अपने मोर माटी ऐप में सबसे पहले डाला। तो ये भी हम लोगों के लिए अचीवमेंट रहा है, और सबसे बड़ा अचीवमेंट ये रहा है कि अलग अलग समय में जब बस्तर के गाँवों में हम लोग किसी भी काम से जाते रहे हैं, तो दर्शकों का जो प्यार मिलता है वो इतना ज़बरदस्त प्यार मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा। तो सर मतलब किसी भी आप फिल्म को या प्रोड्यूसर कर रहे हैं या फिर किसी भी एल्बम्स को कर रहे हैं, तो लगभग उसमें आपको बजट कितना खर्च आता है सर? ये डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं। कई बार अभी अभी 2 प्रोजेक्ट हम लोगों ने किया है, तो उसमें प्रोड्यूसर्स के मूवीज़ की हैं जो अभी आई नहीं है, तो उसमें लगभग एक एक 38 लाख का प्रोजेक्ट है, एक लगभग 60 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है। 2 प्रोजेक्ट हम लोगों ने किया है, ये रीजनल छत्तीसगढ़ी और हिंदी में है, रीजनल कंटेंट है। इसके अलावा वीडियो एल्बम जो करते हैं वो लगभग 30-40 हज़ार 50 हज़ार रुपये तक में बन जाते हैं वीडियो एल्बम, एक दिन की अगर शूटिंग चल रही है तो। और बाकी डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट क्या है, लोकेशन क्या है, कितने दिन शूट कर रहे हैं, कलाकार कौन है, किस स्तर का काम हो रहा है। तो सर अभी जो नए लोग कर रहे हैं अपना
इस समय देखेंगे आप काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब में बहुत ज़्यादा लोग इसमें काम कर रहे हैं इस वक्त, कि लोग का ये सोच है कि यूट्यूब में अगर काम करते हैं वो शायद इसमें अपना करियर भी बना सकते हैं। तो सर आप क्या कहेंगे, इस जो फील्ड है इसमें लोगों का करियर है इसमें? यूट्यूब आज के डेट में इतने सारे स्टार्स हैं जो यूट्यूब के थ्रू स्टार बने हैं जी। और वो इतने बड़े स्टार बन गए कि उनको हॉलीवुड को भी उनको लेना पड़ा जी। कई सारे चैनलों को उनको लेना पड़ा, लेना पड़ा मतलब उनकी मजबूरी थी कि ये इतना बड़ा स्टार हो गया कि आप इनको ले लो जी। तो वो ज़माना तो चला गया जब आदमी जगदलपुर से या देश के किसी भी इलाके से उठ के मुंबई में ठोकर खा खा के स्ट्रगल करता था। सोशल मीडिया ने आपको इतनी ताकत दे दी है कि आप जो काम करते हैं करते रहिए, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप सोशल मीडिया के ज़रिए घर बैठे उस मुकाम को पा सकते हैं जिस मुकाम को पाने के लिए आपको सारी चीज़ें छोड़ करके मेट्रो सिटीज़ में जा कर के स्ट्रगल करना पड़ता था, और एक बड़ा समय और पैसा ज़िंदगी का वो उस दाँव में लगाना पड़ता था। आज दाँव में लगाने वाली बात नहीं है, आप अपनी जगह में, आप जगरगुंडा में भी अगर रहते हैं तो अगर आप कुछ कंटेंट क्रिएट करते हैं तो जगरगुंडा से निकल के आपको थोड़ा सा कहीं अगर नेटवर्क मिल जाए तो वहाँ से अपलोड कर सकते हैं आप। जगरगुंडा शब्द इसलिए कह रहा हूँ, भारत देश का सर्वाधिक नक्सल प्रभावित इलाका है सुकमा, और सुकमा का जगरगुंडा वो तो मत पूछिए, है ना। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ का भी अगर कोई कंटेंट मेकर है तो वो भी पूरी दुनिया पे छा सकता है। तो सोशल मीडिया का ये कमाल है, और यूट्यूब चैनल पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं इतना ज़बरदस्त, मतलब मैं देखता हूँ बस्तर के जो वीडियो एल्बम अभी बन रहे हैं उसमें बेहतरीन एक्टिंग, बेहतरीन मेकअप, बेहतरीन कंपोजिशन, एडिटिंग, कैमरा, सारी चीज़ें, ज़बरदस्त काम चल रहा है। थोड़ा सा संस्कृति और पकड़ेंगे तो और मज़ा आएगा। बस तो सर मेरा छोटा सा एक सवाल है सर, कई लोगों का मैं ये भी सुना हूँ कि लोग प्रोड्यूस करते हैं बहुत सारे मूवीज़ का, लेकिन वो अगर मूवीज़ नहीं चल पाती तो उनके ऊपर बहुत सारा दिक्कत आती है। तो ऐसे सिचुएशन में जैसे आपके मूवी आते हैं तो कैसा रहता है सर? देखिए क्या होता है, आप किसी भी फिल्म, मूवी जो है वो इंडस्ट्री है जी। फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री है, धंधा है जी। व्यापार है जिसको पैसा कमाने के लिए किया जाता है। तो आप दुनिया का कोई भी व्यापार जब आप शुरू करते हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि मार्केट क्या है जी। अब जैसे मान लीजिए कि बस्तर के किसी अंदरूनी इलाके में जा करके मैं कोई ऐसा फल उगाऊँ जो यहाँ बिकता नहीं है जी। मान लीजिए उसके लिए आबो हवा भी बहुत अच्छी है बस्तर की, लेकिन उसका डिमांड नहीं है, तो आप कितने ही फल उगा लें वो बेचेंगे कहाँ। तो आप फिल्म इंडस्ट्री ही क्यों, किसी भी फील्ड में अगर आप उतरना चाहते हैं तो आप बाकी चीज़ प्रोडक्शन बाद में देखिए, मार्केटिंग पहले देखिए। आपने फिल्म बनाया, आपने बहुत सारा पैसा लगा दिया, बहुत अच्छा काम कर लिया, लेकिन आपको उसकी मार्केटिंग के बारे में नहीं मालूम है तो नुकसान उठाना पड़ेगा। और फिल्म इंडस्ट्री, हम लोगों का जो वीडियो का जो फील्ड है वो रिस्की फील्ड है आर्थिक मामलों में जी जी। कि अगर आपको पैसा निकले तो हो सकता है कि आपको 1000 गुना मिल जाए, आपको 6 महीने में ही क्या से क्या हो जाए। और ये भी हो सकता है कि आप पूरा घर बाहर बेच के पैसा लगा दें और 1 रुपया भी वापस ना आए। संवेदनशील है, लेकिन क्योंकि ये फील्ड हम लोगों का थोड़ा फैंटेसी वाला फील्ड है, आदमी को लगता है यार पर्दे पे दिखूंगा, लोग ये करेंगे, तो वो थोड़ा सा सपनों की दुनिया को साकार करने के लिए थोड़ा सा बहक जाता है, और बहक करके वो पैसा लगा लेता है दुनिया भर की चीज़ें सोच करके ये मिलेगा, और फिर उसमें धोखा खाता है। तो थोड़ा सा फूक करके कदम रखें और एक्सपर्ट लोगों के साथ काम करें जी। तो सर हमारे जो दर्शक हैं अधिकतर क्या आशुतोष प्रसाद और आपका नाम उनके जहन में रहता है, तो थोड़ा सा मैं सर के बारे में भी जानना चाहूँगा सर, आशुतोष भैया के बारे में जी। जी आशुतोष भैया, मतलब मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो उनसे सीखा हुआ है जी। सबसे पहले हमारे, हम दोनों भाइयों में उनको ही इन सब चीज़ों का शौक था। तो जैसे वो बोलते थे कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, तो हम लोगों के पास 97 में कैमरा आ गया था, पापा खरीद के दे दिए थे जी जी। तो बोलते थे मैं एक्टिंग कर रहा हूँ तो कैमरा चला, तो मैं कैमरा चलाता था, देखता था कि कैसे एक्टिंग कर रहे हैं। उस समय 98-99 में फिल्मी गानों पे हम लोग वीडियो एल्बम बनाते थे खुद को देखने के लिए जी जी। तो उसको हम लोग पहले VHS कैमरे में रिकॉर्ड कर लेते थे और उस पर बनाते थे। तो आशुतोष भैया से ही देख देख करके मैं सीखता था, कि मेरे को तो इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं ऐसा करूँ जी। तो फिर वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, समय गुजरता रहा, साथ में काम करते रहे हम लोग, और उनको मैं देख करके सीखता रहा। फिर एक समय ऐसा आ गया कि काम ज़्यादा हो गया, भैया पूरा, भैया और राकेश यादव, आशुतोष भैया और राकेश यादव ये दोनों मिलके पूरा राजपरब ग्रुप चलाते हैं, तो उन लोग के ऊपर बहुत वर्कलोड रहता है। तो एक समय ऐसा है कि मुझे वीडियो एल्बम का ये पूरा काम, फिल्म का काम कंटिन्यू करने की नौबत आ गई। तो जो कुछ मैंने सीखा था भैया से वो, और मैंने ये जो वीडियो प्रोडक्शन का जो सीखा जो कुछ, वो मिला करके मैंने शुरू किया जी। तो आप ये मेरे जो बोलने का जो तरीका है वो देख रहे हैं, कई बार मैं वॉइस ओवर देता हूँ, या अगर कभी मैं कहीं एक्टिंग करता हूँ तो आशुतोष भैया से सीखा हुआ है। स्टार्टिंग जो दौर था इस बस्तर में, तो शूटिंग किस चीज़ से हुआ करता था? एक समय था जब VHS कैमरा आता था, VHS
वीडियो होम सिस्टम, तो वो VHS कैमरा, वो शादी की शूटिंग में बड़ा सा कैमरा हुआ करता था पैनासोनिक का, तो शादी की शूटिंग में उसको यूज़ करते थे। तो पहला हल्बी एल्बम उसी से बना था VHS में। उस समय यह था कि आप VHS कैमरे पे अपने गाने को प्ले करके रिकॉर्ड कर लीजिए, तो उस पर ऑडियो रिकॉर्ड हो गया। अब उसके ऊपर आप उसको प्ले कीजिए तो आपको जो साउंड सुनाई देगा एट ए टाइम, जब आपको साउंड सुनाई देगा आपको सुनते ही एक्टिंग शुरू कर देनी है। और जैसे आप वो चला और आपने एक्टिंग शुरू की, वो रिकॉर्ड हो गया, तो ऑन स्पॉट पे एडिटिंग हो जाती थी। अच्छा, आपने प्ले किया, एक्टिंग कलाकार ने एक्टिंग या डांस किया, और जैसे ही वो रुका तो उतने दूर का एडिट हो गया, मतलब वो रिकॉर्ड हो गया। अब वो अच्छा हुआ वो बुरा हुआ उससे वो बात की बात है, लेकिन वो VHS कैमरे में यही था। तो उस समय हम लोग एडिटिंग नहीं कर पाते थे, ऑन स्पॉट एडिटिंग होती थी। फुल जुड़ा का पूरा गाने पूरे वो ऑन स्पॉट एडिटिंग पे ही बने हैं VHS कैमरे पे। अभी तो 4K पे हम लोग काम करते हैं, अभी तो 3000 रिजोल्यूशन होता है, उस समय 720 का रिजोल्यूशन होता था। जमीन आसमान का फर्क है टेक्नोलॉजी में, बहुत आसान हो गया जी। तो सर हमारे दर्शक के लिए अगर आप कुछ कहना चाहेंगे तो हमारे चैनल के माध्यम से। सर हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि आज आप मेरा जो इंटरव्यू ले रहे हैं, और जैसे आपने बताया कि कुछ लोग पूछ रहे थे अविनाश प्रसाद और प्रसाद बंधु का इंटरव्यू होना चाहिए, तो लोग भले पूछते हैं कि अविनाश प्रसाद या आशुतोष प्रसाद, लेकिन हम लोग ये जो कुछ भी कर रहे हैं ना, हमारा नाम हो गया है बस्तर में, लेकिन ये सिर्फ हमारी वजह से नहीं है, हम लोगों का बहुत बड़ा ग्रुप रहा है। बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो समय के साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि उनकी डेथ भी हो गई है ना, कई कलाकार आज हमारे साथ नहीं है। बहुत से सारे कलाकार ऐसे रहे हैं जिनको आर्थिक स्थितियों के चलते फील्ड से दूर भी होना पड़ा है या कम समय दे पाते हैं। बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं जो अब बस्तर में नहीं है, कहीं और चले गए हैं। तो ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं हमारे ग्रुप के जिनकी वजह से लोग हमको जान रहे हैं जी। तो अभी तो हम, मतलब अगर मैं कहूँ म्यूज़िक डायरेक्टर्स, तो धर्मेंद्र मेश्राम, संतोष दानी, यशपाल ठाकुर, ये सारे ऐसे म्यूज़िक डायरेक्टर्स रहे हैं जिनकी बदौलत हमको अच्छे अच्छे गाने मिले जी। और ये तीनों सिंगर भी हैं जिनके बदौलत हमको इतने अच्छे प्यारे वॉइस मिले, जिनके ऊपर एक्टिंग करके बस्तर के सारे कलाकार आज हीरो बनते हैं जी। ये जो हीरो बनते हैं ना, अगर इनका म्यूजिक ना हो और इन जैसे अच्छे कलाकारों की वॉइस ना हो, सिर्फ यही तीन नहीं सारे, तो आप कितने तैयार हो लीजिए, एक्टिंग कर लीजिए, आप हीरो नहीं लगेंगे जी। तो ये है, ठीक है। और बहुत सारे कलाकार बस्तर में हैं, किस किस का नाम लूँ, महेंद्र ठाकुर, अभी मेरे को जो याद आ रहा है, महेंद्र ठाकुर हैं, राकेश यादव हैं, है ना, भूमिका साहा हैं, और लीमा महानंदी हैं, लावण्या दास हैं, है ना, भूमिका महानंदी हैं, ये सारे कलाकार हैं जिनकी वजह से आज भूपेश पानीग्राही हैं, बहुत नाम है। मैं किसका नाम लूँ, किनका नाम ना लूँ, तो अगर आज मैं अविनाश हूँ और आशुतोष भी आशुतोष हैं, तो ये सारे कलाकारों की वजह से है। अगर इनका साथ नहीं मिला होता तो हम लोग आज कुछ नहीं होते। तो मैं वो सारे कलाकार जिनका नाम तुरंत मुझे याद नहीं आ रहा है, उन सब का नाम, मतलब मैं ये कहूँगा हल्बी इंडस्ट्री के जितने कलाकारों को आप जानते हैं ना, जितने भी कलाकारों को, ये सारे लोगों का संयुक्त प्रयास रहा है, तब कुछ कुछ प्रोडक्ट निकल करके आए हैं जिनकी वजह से आप हमको जानते हैं। तो इन सारे कलाकारों की वजह से ही हम लोग आज जो कुछ हैं वो हैं। तो इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, यही कहना चाहता हूँ। तो साथियों, अगर आप सब सर जिनके जितने भी कलाकार हैं उनका नाम लिए हैं, अगर आप सब चाहते हैं कि नाम भूल गया था मैं, मनोज पांडे तो विशेष तौर पे जी, अगर उनका भी इंटरव्यू आप सब देखना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा, हम कोशिश करेंगे उनसे भी आप लोग को मिलाने का। तो सर हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच।